नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज फिर से और एक टेक्निकल इशू लेके आया। जो लोग आप लोग हॉकिंस का प्रेशर यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों को ये बात पता है, क्योंकि अभी हॉकिंस का जो व्हिसलिंग सिस्टम है, सिटी का जो सिस्टम है, वो चेंज हो गया है। तो मैंने इधर दो हॉकिंस प्रेशर कुकर रखा है, डिफरेंट वर्शन की। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, हरबड़ी मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है ताकि आप लोग मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो देखिए, मेरा राइट हैंड साइड में जो हॉकिंस प्रेशर कुकर है ना, इसका जो व्हिसलिंग सिस्टम है, एक्चुअली इससे हम लोग ज़्यादा परिचित है। थोड़ा सा लंबा सा व्हिसल सिस्टम है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है साइज में, ठीक है। एंड इसका जो व्हिसल भी आता है ना, देखिए मैंने ट्यूब भी देखा दिया आप लोगों को, बहुत लंबा सा ट्यूब है, वेंट ट्यूब जो है जो बहुत लंबा है। तो ये है व्हिसल सिस्टम, ये जो सिटी है ऐसा सिटी, एंड ये इसमें बहुत लंबाई सिटी होती थी, 8 से 10 सेकंड का जोर से आवाज़ होती थी, एंड हम लोग सिटी काउंट करके प्रेशर कुकर में खाना पकाते थे। तो 2005 से शुरू हुआ है ये व्हिसल सिस्टम। देखिए थोड़ा सा छोटा है अंदाज में, इसके मुताबिक में थोड़ा सा छोटा है ना, छोटा। दोनों का वजन जो है 80 ग्राम सी है, पर इसका साइज जो है ना, हाइट जो है छोटा हो गया है। एंड इसका जो ट्यूब भी है, देखिए वेंट ट्यूब जो है, ये भी छोटा हो गया है। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा सा घुसल देती है, एक या दो सेकंड के इंटरवल में व्हिसल आ जाती है। एंड इसमें व्हिसल काउंट करके खाना पकता नहीं है। तो हॉकिंस ने बोला है जो नया व्हिसल सिस्टम है, एंड इसमें व्हिसल थोड़ा सा छोटा भी होता है, आवाज़ भी थोड़ा सा कम होता है। इसका आवाज़ जैसे लाउड होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है। तो हॉकिंस को बोलना है अगर लंबा व्हिसल होगा तो ज़्यादा प्रेशर निकल जाएगी अंदर से, तो खाना पकने में देर होगी। तो इसीलिए हॉकिंस ने ऐसा व्हिसल बनाया है ताकि इसमें ज़्यादा प्रेशर ना निकले, जस्ट व्हिसल हो, एंड उसके बाद गैस को कम कर देना है, व्हिसल काउंट नहीं करना है, एंड टाइम को आपको चेक करना है, एंड खाना उसमें जल्दी पक जाएगा, क्योंकि ऐसे छोटा छोटा व्हिसल में क्या होता है, पूरा प्रेशर नहीं निकलती है, एंड ज़्यादा प्रेशर कुकर के अंदर रहता है, एंड खाना जल्दी पक जाती है। तो जो लोग व्हिसल काउंट करके ऐसे सिस्टम में यूज टू है, उन लोगों के पास तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है। हमारे पास भी हुआ है, क्योंकि हम लोग हॉकिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं 1987 से। सो हमारे पास ये दोनों वर्षन ही है, पर अभी भी हॉकिंस का कुछ वर्शन में अभी भी ये पुराने व्हिसल सिस्टम है। हॉकिंस का सभी स्टेनलेस स्टील मॉडल में है, स्टेनलेस स्टील टॉल मॉडल, स्टेनलेस स्टील कॉन्चुरा मॉडल, एंड हॉकिंस ट्राइप्लाई स्टील में है। मिस मेरी में 2021 तक था, 2021 से मिस मेरी, ये देखिए मिस मेरी, ये 2021 के बाद ये खरीदा गया है। मिस मेरी 2021 तक तो ये पुराना व्हिसल ही था, पर अभी नया व्हिसल कर दिया गया है, पता नहीं क्यों इन्होंने किया है, पर इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। तो हम लोग जो व्हिसल सिस्टम जो व्हिसल काउंट करके हम लोग खाना बनाते थे, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं इन दोनों का व्हिसल का क्या अंतर है थोड़ा सा दिखा दूंगा, तो थोड़ा सा पानी देके आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो मैं ये प्रेशर कुकर ही यूज़ करूँगा, दोनों ही 1.5 लीटर है, ढक्कन सेम है, बस ढक्कन को इंटरचेंज कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा व्हिसल सिस्टम का डिफरेंस क्या है। देखिए कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया, तो अभी इसको व्हिसल आने दीजिए, एंड आप लोग को आप लोग देखेंगे, मैं दो व्हिसल इसमें दिखाऊंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा व्हिसल सिस्टम के अंतर क्या है। यह है पुराना वाला व्हिसल सिस्टम जो 2005 से पहले था, बहुत लंबा व्हिसल होता था, मिनिमम 5 सेकेंड का तो होता ही था, एंड मैक्सिमम 10 to 12 seconds का भी होता था। तो एंड बहुत आवाज़ होती थी, तेज़ आवाज़ निकली थी इस व्हिसल सिस्टम से। सो दिखाते हैं इसका दो व्हिसल हम लोग दिखा देते हैं। सो व्हिसल छोड़ने वाली है ये प्रेशर कुकर, देखिए कितना तेज आवाज हुई। मैं और एक दिखाता हूँ आप लोगों को,
तो चलिए इसका हम लोग देखें। तो अभी जो छोटा हुसैल सिस्टम है, जो पुराना नया हुसैल सिस्टम है, उसका भी देख लेते हैं। तो जाने से पहले देखिए, आप लोगों को पूरा दिखा दिया लंबा हुसैल कितना जोर से होता था, ठीक है। तो अभी ये जो नया सिस्टम है, ये तो पुराना वाला सिस्टम हो गया, तो नया सिस्टम में एक बार दिखा देते हैं। तो चलिए नया वाला सिस्टम चालू कर दिए हैं, तो वेट फॉर द फर्स्ट हुसैल टू कम। चलिए नया वाला में दिख लेते। ऐसा होता है नए वाले में, थोड़ा सा कम होता है और बहुत जल्दी जल्दी आती है हुसैल। देखिए इतना छोटा छोटा सा, देखिए कितना छोटा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा सा होता है। देखिए एक मिनट के अंदर अंदर ही 4-5 हुसैल लग जाती है। तो मैं गैस को बंद कर देता हूँ। तो आप लोगों को मैंने यही दिखाने का कोशिश किया, हॉकिंस का जो डिफरेंट वर्जन का हुसैल सिस्टम है, तो उनका कंपैरिजन एंड सुविधा असुविधा। पर मुझे लगता है ये सिस्टम ही सही रहा था। इसमें भी खाना पकने का जो टाइम हॉकिंस ने मेंशन की थी हॉकिंस का रेसिपी बुक में, इसमें भी सेम ही है। तो टाइम कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप लोग रेसिपी बुक देखें तो रेसिपी बुक में टाइम का कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये हुसैल सिस्टम लाने का तो मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। हॉकिंस ने बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न दिखाया, वो तो सही है, पर मुझे एज ए यूज़र लगता है ठीक नहीं है। तो एनी वे गाइज, नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे। आप लोगों के पास अगर ऐसा आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है हॉकिंस प्रेशर कुकर को लेके, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। And please subscribe my channel. Thank you.